part of the exception. तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते होंगे 30 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी बॉलीवुड के सिंघम अजय देवगन की फिल्म भोला, जो फिलहाल सिनेमाघरों में धूम मचा रही है और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कलेक्शन करके कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं। जहां दोस्तों फिल्म को रिलीज हुई आज सिनेमाघरों में पांचवा दिन चल रहा है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिल्म भोला अपने पहले 5 दिनों में इंडिया के अंदर टोटल कितनी कमाई कर चुकी है, वहीं फिल्म का पूरे वर्ल्ड में टोटल कितना कलेक्शन हो चुका है, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही या फिर फ्लॉप, फिल्म का बजट कितना था। तो दोस्तों बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप बॉलीवुड के सिंघम अजय देवगन को एक बेहतरीन अभिनेता मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों अगर बात करें फिल्म भोला की तो अजय देवगन के डायरेक्शन और प्रोडक्शन में ये फिल्म बनी थी। फिल्म का फैंस बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे थे और अब जब ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है तो फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रखा है। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताता चलूं कि भोला फिल्म का बजट लगभग 100 करोड़ रुपए का है, लेकिन फिल्म को इंडिया के अंदर लगभग 3500 स्क्रीनों पर रिलीज किया गया था। लेकिन अगर बात करें यहां पे फिल्म भोला की तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये तमिल की फिल्म आई थी साल 2019 में कैटी, उसी फिल्म का ऑफिशियल रीमेक है अजय देवगन की फिल्म भोला। अब दोस्तों अगर यहां पे बात करें फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो अपने पहले दिन फिल्म भोला ने 11 करोड़ 20 लाख रुपए की इंडिया से नेट ओपनिंग की थी। उसके बाद दूसरे दिन फिल्म का कलेक्शन रहा था 7 करोड़ 40 लाख रुपए का। तीसरे दिन फिल्म ने कमाए थे 12 करोड़ 10 लाख रुपए और अपने पहले 3 दिनों में फिल्म भोला 30 करोड़ 70 लाख रुपए इंडिया से कर चुकी थी। फिल्म का इंडिया में ग्रॉस कलेक्शन 37 करोड़ रुपए हो चुका था। ओवरसीज से भी फिल्म ने लगभग 8 करोड़ रुपए की कमाई कर ली थी और वहीं फिल्म का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 45 करोड़ रुपए हो चुका था। उसके बाद चौथे दिन यानी कि फिल्म ने अपने पहले संडे को 14 करोड़ 50 लाख रुपए की कमाई की, जो कि एक काफी शानदार नंबर दर्ज किए फिल्म ने अपने पहले संडे को अपने चौथे दिन। और फिल्म का जो टोटल इंडिया में नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो 45 करोड़ 20 लाख रुपए हो चुका है, वही फिल्म का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 65 करोड़ रुपए हो चुका है। और दोस्तों बात करूं मैं पांचवें दिन यानी कि आज की, तो दोस्तों आज के कलेक्शन में हमें काफी गिरावट देखने को मिली है। फिल्म आज पूरे इंडिया से लगभग 6 से 6.5 करोड़ रुपए कमा रही है और फिल्म का जो टोटल इंडिया में नेट कलेक्शन है वो 51 करोड़ 20 लाख रुपए हो रहा है, तो ये फिल्म पूरे वर्ल्ड में लगभग 73 करोड़ रुपए कर रही है। अब दोस्तों अगर मैं बात करूं फिल्म के हिट और फ्लॉप की तो फिल्म का बजट लगभग 100 करोड़ रुपए का है, लेकिन अभी फिल्म के आने वाला जो ये एक हफ्ता है यानी कि सैटरडे और संडे तक, अब देखना यह है कि इन दिनों में फिल्म कैसी कमाई करती है। अगर सैटरडे और संडे तक फिल्म अपने बजट तक पहुंच गई ठीक ठाक कमाई करके तो मुझे लगता है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद ये 2-3 करोड़ रुपए अगर डेली कमाती है, 1.5 करोड़ 2 करोड़ तो उसके बाद आराम से ये फिल्म 150 करोड़ तक पहुंच जाएगी। और फिल्म का बजट 100 करोड़ रुपए का है तो वैसी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हो जाएगी। लेकिन आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा।